नरेश सिरोही, ये बताइए, मुझे ये समझाइए, एक एमएसपी कमेटी बनी हुई है प्रभावी बनाने के लिए एमएसपी को, उसी के सदस्य कह रहे हैं ये नहीं देंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां इस बात का ऐलान कर रही हैं, जबकि कानून ये बन गया था 2014 में कि जी राज्य सरकार बोनस दे ही नहीं सकती, एमएसपी से ऊपर एक रुपया आप दे नहीं सकते, तो ये 900 और 500 रुपए फालतू कैसे दे रहे हैं दोनों ही पार्टियां। संदीप जी देखिए, राजनीतिक दलों के लिए राजनीति पहले है और सत्ता प्राप्ति पहले। मैं भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मुझे उनकी प्राथमिकता ज्यादा मालूम है। मेरा कहना यह है कि जब तक हम इस दोहरेपन को नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी पे नहीं आएंगे, किसान का कल्याण कभी होने वाला नहीं। अगर इलेक्शन से किसान, जिस तरह से पार्टियां जुड़ती हैं, अगर किसान भी किसान बन के वोट करना शुरू करे तो पूरे देश में समस्या का समाधान हो सकता है। जिस तरह से राजनीतिक दल का आचरण है, मुझे लगता है किसानों को भी इससे सबक लेने की जरूरत है कि पूरे देश में किसान बन के वोट करें, जाति और धर्म के नाम पे वोट ना करें। और देखिए, जहां तक किसानों की पैदावार के तौर तरीके का है, आज भी हमारी कुछ वरिष्ठ लोगों से बात हो रही थी, वो उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। और जिस तरह से फसलों के दाम की बात है, माकूल कीमत की बात है, वो किसानों के साथ, मैं तो कहता हूं कि राज्यों वाइज जिस राज्य की जितनी लागत आती है और राज्य ही रिकमेंडेशन करके सीएसी तो वही उसी ओर तो जा रहे हैं, इसको प्रभावी बनाने का सबसे चाहिए। एक मिनट नरेश सिरोही साहब, ये उसी तरफ तो जा रहे हैं, एमएसपी को प्रभावी बनाना है। हर राज्य में अलग अलग लागत होती है, उस लागत का आकलन करके C2+50 कर दो, यही तो कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो पूरे देश में लागू कर दो। वैसे भी कृषि राज्य सूची में आता है, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, पूरे देश नहीं। संदीप जी आपने बिल्कुल सही कहा, और सरकार ने भी जो ये घोषणा की है ना, तो मैं कहता हूं कि ये व्यवहारिक घोषणा है कि जिस राज्य में जो लागत है उस हिसाब से वहां की कीमत, वहां की सरकारें जो रिकमेंडेशन यहां भेजती हैं, यहां ना भेजें, केंद्र सरकार केवल उनको मदद कर दे जितना उनको अपना। तो कहां कर रही थी 2640 रुपए भूपेश बघेल धान का समर्थन मूल्य दे रहे थे, बोनस के पैसे कहां दे रही थी केंद्र सरकार? झगड़ा चल रहा था कि हमने मना कर दिया, आप कैसे दे रहे हो? नहीं देना चाहिए, मतलब दे सकते हैं, नियत नहीं है। नहीं बिल्कुल दे सकते हैं, अगर चुनाव के समय पे दे सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं दे सकते। तो हलफनामा दिया था ना फरवरी में 2015 में, मनिंदर सिंह थे उस टाइम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जी, बेड़ा गर्क हो जाएगा अर्थव्यवस्था का, सत्यानाश हो जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा, C2+50 लागू कर दिया, तो यही तो कर रहे हो अब। संदीप जी सरकार में क्या होता है कि एक तो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो यहां से चुन के जाते हैं, मंत्री बनते हैं, और इसके अलावा एक सरकार और है जो छद्म सरकार है, ब्यूरोक्रेसी की है, वो कुछ कहती है और चुने हुए प्रतिनिधि कुछ कहते हैं, अल्टीमेटली चलती उनकी है जो ब्यूरोक्रेसी है। और ये झंझट झमेला अब से नहीं है, बहुत पुराने से वो तो चल ही रहा है। 67 में एमएसपी लागू हो गया था, काला सूट गुलाबी अखबार, मैंने शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।